नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 17 जुलाई को नेहरू स्टेडियम में होने वाली मतगणना के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया है। होलकर साइंस कॉलेज में दिए जा रहे इस प्रशिक्षण में मतगणना कार्य में लगने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को ईवीएम मशीन के साथ पेटी में बंद मतों की गिनती कैसे की इसका प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतगणना के लिए प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया है। 2 सत्रों में होने वाले प्रशिक्षण का पहला चरण शनिवार को प्रारंभ हुआ। निर्वाचन कार्यालय द्वारा करीब 1000 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें नगर निगम व नगर परिषद क्षेत्र की मतगणना करने वाले सुपरवाइजर और गणना सहायक शामिल है। होलकर साइंस कॉलेज में दिए जा रहे इस प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर ने मतगणना सुपरवाइजर और सहायकों ईवीएम से कैसे वोट की गिनती की जाए इसकी जानकारी दी। साथ ही डाक मत पत्र की गिनती के लिए मतों की चटनी कर बंडल कैसे बनाया जाए इसका भी प्रशिक्षण दिया। 17 जुलाई के पूर्व मतगणना सुपरवाइजर और सहायकों को अंतिम प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज जो है 17 तारीख को जो काउंटिंग होनी है उसके लिए नगर निगम और नगर विभिन्न जो 8 नगर परिषद हैं उनके लिए सभी काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट इनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक कक्ष में पोस्टल बैलेट की ट्रेनिंग भी प्रत्यक्ष से दी जा रही है। किस तरह की दी जा रही है, क्या क्या दे? काउंटिंग में ईवीएम मशीन आएगी, ईवीएम मशीन को किस तरह से आएगी, वो किस तरीके से उसको खोलना है, किस तरह से रिजल्ट का बटन दबाना है उस पूरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ में पोस्टल बैलेट की कैसे गड्डी बनानी है, गड्डी बनाने का किस तरीके से गिनना है इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और कैसे एंट्री करनी है उनके ऊपर, रजिस्टर के ऊपर जो पत्रक होंगे उस ऊपर एंट्री करनी है। आज लगभग 1000 लोगों का प्रशिक्षण, इसके 2 चरण होंगे। आज पहला चरण है, इसके बाद आगामी चरण इलेक्शन काउंटिंग से पहले एक और चरण आयोजित किया जाएगा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।